मुझे कहा है कि छोटू खाटी जो है वहाँ कॉलेज खोलनी चाहिए, तो आप मुझे बताओ, बजट तो मैं पेश कर नहीं रहा हूँ और ये मुझसे कहते मैं घोषणा कर दूँ तो मुझे इनका आदेश मानना पड़ता है। मेरे संगठन के ये मेरे नेता हैं, तो मैं घोषणा करता हूँ छोटी खाटू में कॉलेज बन जाएगी आपके वहाँ पर। उनका महंगे राज शिविरों में भी जो साथ दिया पब्लिक ने, अभी तक आज तक आंकड़े 1,29,00,000 से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं और 5,90,00,000 से अधिक मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड मिले उन लोगों को। ये गारंटी है मुख्यमंत्री की, कोई सवाल तो नहीं कर सकता इसको, ये गारंटी दी गई आप लोगों को। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मुझे खुशी है कि चेतन जोड़ी ने आज हम सबको बुलाया और जो ये बहुत शानदार आगाज किया यहाँ पर मीटिंग का, उसके लिए मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से उसका आशीर्वाद भी देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि डीडवाड़ा कुचामन जिला बनने के बाद में और आने का मौका मिलेगा और कोई कमी रखेंगे नहीं। कुछ मांगे रखी गई है उसको देखेंगे कैसे वो पूरी हो सकती है, उसका ही ध्यान रखेंगे। यही बात कहता हुआ मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने हर क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में जल जीवन मिशन चल रहा है, आधा पैसा हम दे रहे हैं, आधा पैसा सरकार दे रही है, भारत सरकार पर 10% हिस्सा जो गांव वालों का था वो भारत सरकार ने हमसे कहा कि आप वसूल करो गांव वालों से। मैंने फैसला किया है जल जीवन मिशन का 10% हिस्सा गांव वालों का स्टेट गवर्नमेंट देगी, गांव वालों नहीं लिया जाएगा, ये भी हमने घोषणा कर दी है। इस प्रकार से हमने जनहित के अंदर सारे फैसले किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हम सब मिलकर के आने वाले वक्त में जो काम आज हो रहा है, पानी के, बिजली के, शिक्षा में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, राजस्थान हब बनने जा रहा है, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू सबसे अधिक नौकरियां यहाँ बच्चों को लगती है, OPS के लाभ अगर सबसे अधिक मिलेगा राजस्थान भर में, तो इन 4 जिलों को मिलेगा उन्हें, जो राजस्थान आपका नागौर भी आता है, OPS वाले ज़्यादा यहाँ पर है, बहुत खुश हो गए नौजवान लोग, उनका भविष्य सुनिश्चित हो गया है। 35 साल की नौकरी के बाद में क्या एक अधिकारी ये उम्मीद नहीं करे सरकार से कि बुढ़ापे के अंदर मेरी पेंशन फिक्स होगी? NPS फिक्स नहीं है, शेयर मार्केट पर निर्भर करती, बता दीजिए आप शेयर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा किसी को नहीं मालूम है। इसलिए हमने कहा OPS लागू होगी, पेंशन फिक्स होगी, उसको मालूम मेरी पेंशन कितनी मिलेगी, इस रूप में इन कामों को किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, आने वाले वक्त में चाहे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और सोशल सिक्योरिटी, सड़कें आज 1,00,000 किलोमीटर सड़कें राजस्थान बन रही है, 56,000 किलोमीटर बन चुकी है और बाकी बनती जा रही है, काम चल रहा है, इससे अब हम क्या कर सकते हैं? नौकरी मैंने बताया आपको कितनी दे रहे हम लोग, जो संभव था उससे अधिक मैंने करने का प्रयास किया। इसीलिए मैंने कहा MLA साहबान को कहा, मैंने तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, वो वादा मैंने निभाया है, वो वादा मैंने निभाया है। तो मुझे नहीं मालूम था कि आपके महेंद्र चौधरी और चेतन ड्यूटी जो है जिला मांग लेंगे, मैंने कहा पंचायत मांगेंगे, उप तहसील मांगेंगे, PSC मांगेंगे, कॉलेज मांगेंगे, जिला मांग लिया, तो मैंने जिला भी इनको दिया है, इससे बड़ा वादा मैं क्या निभा सकता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।